जेबीडी कल्याण समिति की ओर से चलाई जा रही अपनी रसोई कार्यक्रम के चलते करनाल के सेक्टर 12 हुड्डा ग्राउंड में अपनी रसोई के माध्यम से लोगों को सस्ते में खाना उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसमें 10 रुपए में नाश्ता व चाय पान करवाया जाता है। जेबीटी कल्याण समिति के द्वारा यह पहल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा चलाई जा रही अंत्योदय योजना से प्रेरित होकर प्रारंभ की गई। जेबीटी कल्याण समिति के संरक्षक भारत भूषण कपूर ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा जो सपना देखा गया कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, उसी सिद्धांत पर चलते हुए करनाल में अपनी रसोई नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें 10 रुपए में शुद्ध व पौष्टिक खाना आम लोगों के लिए उपलब्ध करवाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। यहां हम आपको बता दें कि जेबीटी कल्याण समिति समाज सेवा के कार्यों के साथ साथ अन्य कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेती है, जिसमें मुख्य तौर पर अपनी रसोई, ब्लड डोनेशन कैंप, पौधारोपण इत्यादि मुख्य रूप से हैं। उन्होंने दूसरे लोगों से आह्वान किया कि इस तरह के कार्यक्रम चलाए ताकि लोग सस्ते में खाना खा सके। इस अपनी रसोई की पूरे शहर में चर्चा हो रही है और दानवीरकरण नगरी करनाल में चलाई जा रही अपनी रसोई की लोग सराहना कर रहे हैं। विशेषता और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस यही, परमात्मा हमें इसी तरह इस काम में लगाए रखे और औरों को भी प्रेरणा मिले। शहर के जितने भी समाज सेवी संगठन हैं, धार्मिक संगठन हैं, उनसे भी प्रार्थना है कि इस तरह आगे आए, शहर में और जगह भी इस तरह का कोई कार्य, धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्य करें। अच्छा लगता है जब छोटे छोटे बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, लाइन में लग के थाली लेकर जब वो भोजन करते हैं, उनके चेहरे की मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगती है। उसी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े जा रहे हैं और सिर्फ नॉमिनल 10 रुपये कीमत रखी हुई है। अभी आए थे हमारे राजीव मेहता जी, कमिश्नर नगर निगम, वो बता रहे थे कि कोई समय होता था मनी ऑर्डर फॉर्म फ्री में मिलता था, तो जब फ्री में मिलता था तो किसी ने फॉर्म भरना, एक अक्षर गलत हो गया, फाड़ के फेंक देना, दूसरा भरना फाड़ देना, तीसरा भरना फाड़ देना, तीन तीन चार चार फॉर्म वेस्ट कर देना एक मनी ऑर्डर में। उसके बाद सरकार ने कीमत रख दी 10 रुपये, ना 10 पैसे। जब उसकी 10 पैसे कीमत रख दी गई, फिर वो एक भी फॉर्म नहीं फटता था, एक एक अक्षर बड़े ध्यान से लिखा जाता था। तो वो ये 10 रुपये जो रखे गए हैं, वो बात सही कह रहे हैं, वो 10 रुपये तो इसीलिए रखे गए हैं कि अन्न की वेस्टेज ना हो। अब आप देख रहे हैं जितने भी हमने यहाँ टॉट बॉक्स रखे हुए हैं, जिस तरह हम सफाई रख रहे हैं यहाँ पर, उसमें आप देख रहे हैं कि कोई भी अन्न जो है उसमें वेस्ट नहीं जा रहा। थाली हम भी देखते हैं सारा दिन, थालियाँ बिल्कुल खाली जाती हैं, क्योंकि उनको ये भी होता है, आतंक सामान को भी ठेस नहीं पहुँचती कि मैंने 10 रुपये के लिए नाश्ता लिया और मैंने इसको वेस्ट नहीं करा। आप इसके अलावा भी और सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हैं, और क्या मोटिव है आपका इसके पीछे, क्या उद्देश्य से मिलते हैं? मन की खुशी, आत्मिक प्रसन्नता, समाज के लिए कुछ करना चाहिए। जैसे पेड़ लगा रहे हैं जगह जगह, हमारा पर्यावरण के ऊपर भी काम चल रहा है। आज भी हमने हंसी रोड के ऊपर जो है ना जी, 52 पौधे ला के रखे हुए हैं। हमारी जेबीडी समाज कल्याण समिति की टीम आज हम 52 पौधे हंसी रोड पर लगाने जा रहे हैं। ब्लड डोनेशन का टाइम टाइम हम टाइम टू टाइम लगाते रहते हैं, एम्बुलेंस चली रही है, गरीब कन्याओं की शादियाँ कर देते हैं, किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाकर बच्चों को ड्रेसेस दिया है, साइकिलें दी है, तो ये प्रेरणा ईश्वर की तरफ से मिलती है। मैं रमेश बजाज, वाइस प्रेसिडेंट सेक्टर 4 RWA। आज ये श्री भारत भूषण कपूर जी का प्रोजेक्ट देखा, दिल को छुआ, बहुत ही अच्छा लगा। इनके बारे में अगर मैं ये कहूँ कि क्या करेगा प्यार वो भगवान से, क्या करेगा प्यार वो ईमान से, जन्म लेकर गोद में इंसान की, करना पाया प्यार जो इंसान से।